नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पूरे जंतु विज्ञान या जंतु विज्ञान के साथ लगे हुए, खासकर जीआईसी उत्तराखंड, बीपीएससी और यूपी के लिए पीजीटी टीजीटी सभी एग्जामों में लगभग आने वाला सवाल, क्या सवाल है। एसिड रेन, अम्ल वर्षा बोलते हैं इसको। सवाल ये पूछा गया, एसिड रेन का पीएच कितना होता है। तो निश्चित 7 से कम होगा, 7 से कम होगा मींस आप 6, 5, 4, 3 इस टाइप से करेंगे, क्योंकि एसिड यहां पर नाम खुद ही रखा हुआ है। एक चीज ध्यान रखना है आपको, महत्वपूर्ण स्लाइड आपके लिए बनाकर लाए हैं किसी भी एग्जाम के लिए और निश्चित आने वाला। पीएच 4 होने पर हानिकारक होता है। एसिड रेन का नुकसान करता है अम्ल वर्षा कितने पीएच पर। दो सवाल आया, एसिड रेन का अम्ल वर्षा का पीएच कितना होता है और कितने पर नुकसान करता है। तो 4 होने पर हानिकारक होता है। NO2 और SO2, एसिड रेन में किसकी वर्षा होती है, यह गैस का कॉम्बिनेशन NO2 SO2 आपको याद करना है। यहां पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, जो वर्षा जल के साथ एसिड रेन होते कैसे हैं, कैसे प्लांट्स तक या एनिमल तक पहुंचते हैं, वर्षा जल के साथ पहुंचते हैं, कहां पहुंच जाते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स में पहुंच जाते हैं और पहुंच के फिर क्या करते हैं, ये करते हैं को नुकसान पहुंचाते हैं, प्लांट्स और एनिमल को नुकसान पहुंचाते हैं। और इस दुनिया में एक और चीज होती है जिसको हम लोग नॉन लिविंग बोलते हैं, जैसे भवन निर्माण है या बहुत सारी चीजों, पुल का निर्माण है, ते भवनों को स्टोन लेप्रोसी करते हैं। एसिड रेन प्लांट्स को नुकसान करता है, एनिमल को नुकसान करता है और इसके साथ साथ स्टोन लेप्रोसी भी करते हैं। ये हमारे लिए कभी कभी, चूंकि मटेरियल तो इतना ही रहेगा और एग्जाम सदियों सदियों तक होता रहेगा, कोई ना कोई छोटा सा टुकड़ा इस एसिड रेन से आता ही रहेगा। तो ये स्टोन लेप्रोसी में जब हम लोग आते हैं, तो हमारे भारत में एक बहुत खूबसूरत जगह है, ताजमहल बोलते हैं। ताजमहल को कौन सी गैस नुकसान पहुंचा रही है या पहुंचाती है, तो ताजमहल लेप्रोसी को करने वाला SO2 है। ध्यान रखना है हमको आपको कि एसिड रेन में NO2 SO2 का कॉम्बिनेशन होता है जो प्लांट्स और एनिमल को नुकसान पहुंचाता है। तो SO2 यहां स्टोन लेप्रोसी में ताजमहल लेप्रोसी निश्चित सवाल आता है। ताजमहल की खूबसूरता को कौन सी गैस खराब कर रही है, इसको छैन बोलते, छै नुकसान करना, छह नुकसान करना, पीला पड़ाना, पीला रंग कर देना, सफेद से पीला रंग करना, पीला रंग करना, कई टाइप से सवाल एग्जाम में हम लोगों को मिलते हैं। एसिड रेन की दो गैसों में एक गैस को देखा गया विशेष रूप से, SO2 ताजमहल लेप्रोसी को करती है। तो NO2 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आया। NO2 मेन पॉल्यूटेंट है, ये एयर पॉल्यूशन में मुख्य प्रदूषक कौन है। सवाल इस टाइप से आता है कि मुख्य प्रदूषक कौन है। एसिड रेन की NO2 SO2 दो गैस और दोनों गैस का तीसरे और चौथे पॉइंट पर महत्वपूर्ण चीज आपको दी गई है। आप देख पा रहे होंगे, जितने भी इस लोग को देखे, वीडियो को देखेंगे, जितने इंटेलिजेंट विद्यार्थी हैं, समझदार हैं, होशियार हैं और
एग्जाम को फाइट करने की अपने अंदर ललक रखे हुए हैं कि मेरा ही सिलेक्शन होना चाहिए, वो एक एक पॉइंट्स को यहाँ पर देख और समझ पा रहे होंगे। बहुत अच्छा, इसी में थोड़ी अगली स्लाइड आप देख लीजिए। ये भी सवाल बहुत आता है, ये मिसप्रिंट हो गया, लाइकेन है ये। लाइकेन के बारे में आप बहुत अच्छा जानते हैं, उसमें हमको जाने की जरूरत नहीं, वो थोड़ा वनस्पति शास्त्र का मामला हो जाता है। लेकिन एसिड रेन में जो इंडिकेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है, एसिड रेन के लिए इंडिकेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है, ऐसे में बहुत सवाल आते हैं। जैसे ए बी सी डी तो आप जानते ही हैं, बहुत योग्य आप हैं यहां पर। जैसे मॉसिस हो गया, फर्न हो गया, लाइकेन हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, इस टाइप से जब वहां एग्जाम में आंसर बना के देगा अम्ल वर्षा का इंडिकेटर कौन है या किसको प्रयोग किया जाता है, तो आपको लाइकेन वहां पर मददगार होगा। तो बहुत छोटी सी स्लाइड, इंपॉर्टेंट स्लाइड, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें आप, ठीक है। थैंक यू।